अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं कबीर परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा कि यूट्यूब पर कैसे अर्निंग वाला पैसे कमाने वाला चैनल बनाया जाए और कैसे इससे पैसे कमाए जाएं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूंगा, अगर यूट्यूब पर आपने चैनल बनाना है, अगर आपने पैसे कमाना है, तो आपने यूट्यूब पर इतना सा दिल लेके नहीं आना, आपने अपने दिल को बड़ा करना होगा। और इसमें आप एक टारगेट जो सामने रखें अपना, एक साल ये तो मैं टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन इसका कोई पता नहीं होता कि कब आपकी वीडियो वायरल हो जाए, कब आपकी वीडियो यूट्यूब तरफ से वायरल हो जाए और आप को इसका जो बेनिफिट है वो दिनों दिन में मिलना शुरू हो जाए या कुछ माह लग जाए। लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो YouTube की तरफ से पॉलिसी और टर्म्स है उसका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम के बाद आपका चैनल YouTube की तरफ से मोनेटाइज होता है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल लग जाता है। अगर आपका 1 साल में भी अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने अपनी मेहनत करनी है और डेली बेसिस पे अपनी वीडियो डाउनलोड करनी है, जो भी आपके पास कंटेंट है आपका या जो भी आपके पास है या आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो। और सबसे बात एक इंपॉर्टेंट बताता चलूँ को यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन और मोटिवेशनल पर जो भी वीडियो बनाई जाती है उसकी जो डॉलर्स हैं उसकी पैसे हैं वो कम मिलते हैं। आपने आपके जो मैं व्यू बता रहा हूँ वो टेक्निकल व्यू जो है उसमें पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो आप ज्यादातर कोशिश करेंगे अगर आपको कोई टेक्निकल काम आता है या कोई टेक्निकल आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको सामने लेके आए, जिससे आपको यूट्यूब पर डॉलर ज्यादा मिलते हैं और आपकी इनकम ज्यादा होती है। जो बगैर तखीर किए ये तो वो थी टर्न जो आपको मैंने बतानी थी, आप बगैर तखीर किए बगैर लेट किए आपको चलता हूं बताता हूं यूट्यूब पर कैसे पैसे कमाने वाला चैनल बनाया जाए। तो मेरे साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं, तो बगैर किसी तखीर के चलते हैं जीमेल में, बनाते हैं एक जीमेल आईडी, उसके बाद बनाते हैं एक यूट्यूब अकाउंट। तो आपके पास अगर जीमेल है तो ये शॉर्ट स्क्रिप्ट कर दें। तो लिखना है आपने जीमेल पे आके क्रिएट न्यू गूगल अकाउंट, तो ये फर्स्ट पे आ गया क्रिएट योर गूगल अकाउंट, मैंने इस पर क्लिक करना है अभी। तो ये मेरे पास अकाउंट है पहले से, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक जीमेल आईडी बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जिन लोगों के पास अपने जीमेल है वो यहाँ पे दे देनी है ऊपर, लेकिन मेरे पास आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ तो इसलिए क्रिएट न्यू। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि फॉर माई सेल्फ या टू मैनेज माई बिज़नेस। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली बना रहे हैं हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो यूट्यूब के लिए जो चलती है वो फॉर माई सेल्फ पे चलती है, बिज़नेस वाली और होती है, मतलब हमने गूगल के उस पर हमने बिज़नेस नहीं करना, इस वजह से हम फॉर माई सेल्फ पे आ जाते हैं हम। तो ये आप कह रहे हैं फर्स्ट नेम दे दें, अब मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कबीर फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम दे देता हूँ जी अली दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है, मैं यहाँ से अपनी दे रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका जो भी है यहाँ पे आपने वो देना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये मांग रहे हैं जी कि आपने यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे जो फर्स्ट नेम था लास्ट नेम था वो आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी फिर भी आप कोई भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ वहाँ दिया है वही यहीं पे देना है, ये कोई इस तरह की वो नहीं है। अच्छा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम मोहम्मद सॉरी कबीर अली वहाँ पे दिया था तो कबीर अली पे कर देते हैं, वो भी नहीं करेगा ये आई थिंक। अच्छा, ये कह रहा है कि आपने जो मतलब यहाँ पे बनानी है वो तो मैं मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो पहले से यूज़फुल हैं, तो आप अभी ये जो आपको तरफ से गूगल की तरफ से आप कह रहा है कि दो आइडिया मैं दे रहा हूँ वो आपने एक्सेप्ट करनी है, तो ठीक है। अब ये एक ऊपर दे रहा है जी अकबर 614, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वैसे आपको समझाने के लिए की थी मैंने, तो नेक्स्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो अभी ये कह रहा है जी पासवर्ड दें, पासवर्ड आपने वो देना है जो मतलब स्ट्रॉन्ग हो, ताकि अगर पासवर्ड गया समझो आपकी पूरी प्राइवेसी जो जो भी है आपके सेल फ़ोन में वो सब कुछ आपसे गया। तो
अच्छा ये जो इसने ओके कर दिया है, कहता है जी आपका अकाउंट बन गया है, लेकिन ये यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो आप इसको फ़ोन नंबर को स्किप की कर सकते हैं, लेकिन जो आप स्किप करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही, मैं तो वैसे आपके लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये मैं स्किप कर देता हूँ। वैसे आपने बेसिकली यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद जो कोड आएगा वो डालना है, तो वो उसमें आपका पक्का काम हो जाएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ, स्किप से भी बन जाती है। तो ये कह रहा है जी ये आपका अकाउंट जो है ना बन गया है कबीर अली, जो मैंने वो देखे वहाँ पर नाम दिया था कबीर अली, और आईडी जो थी वो गूगल वालों ने मुझे दी है। तो यहाँ पे ये देख लें आप, कबीर अली ऊपर आ गया है, और इसमें जो है ना अकबीर 614@gmail आ गया है। ये मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। तो ये अब गूगल जो है ना अपनी प्राइवेसी और अपनी टर्म बता रहा है, ये आपने सारी रीड करनी है। तो वैसे आपका अकाउंट बन गया, ये आपने सारी रीड करनी है, ये नीचे भी हैं इसकी, तो ये सारी आपने रीड करनी है। उसके बाद फिर आपने एग्री पे क्लिक करना है कि ये सारी आपको मंजूर हैं। कहता है जी सेव योर हिस्ट्री इन माय गूगल अकाउंट, आपका जितना भी पावर डेटा है आपने इस पर गूगल पे जितना भी काम करते हो वो सारा इसमें सेव होता जाएगा। तो आपने जैसे सेटिंग करनी है वैसे ही होगा। तो आपका अकाउंट जो है ना अभी बन गया। हाँ जी आपका अकाउंट बन गया, मुबारक हो। अभी मैं चलता हूँ जी, इसको बेशक मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आउट कर देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ जी यूट्यूब में। तो यूट्यूब में आपका वही अकाउंट, अगर आपने और कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपका ही अकाउंट इसमें आएगा यूट्यूब में, लेकिन मेरे पास तो काफ़ी अकाउंट है। ये आ गया मैं YouTube पे। तो YouTube पे ये मेरे बहुत ज़्यादा अकाउंट हैं, लेकिन हमने कौन से नाम पे बनाया है जी, कबीर अली के नाम से बनाया है। तो ये आ गया है जी, कबीर अली का जो चैनल है ये एक्टिव हो गया है। अब हमने जाना कहाँ है, अब हमने जाना है और करना क्या है जी, मैनेज। अब जो है ना जाके ये देखें जी, मैंने क्लिक किया है, मैं बैक जाता हूँ आपको बताने के लिए। ये जो ऊपर है ये देखें, ये रेड कलर का, इसको मैंने बताया ओपन किया है, तो ये आ गया जी योर चैनल। जैसे मैं योर चैनल यानी माय चैनल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अभी पूछ रहा है कि जो आपने क्या नाम देना है अपने यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर, आपने यू मोहम्मद कबीर नाम देना है या कबीर अली नाम देना है या कुछ और देना है। तो मैंने कबीर अली ही नाम देना है। तो ये क्रिएट चैनल, ये एक बार इसका एडिट करने का चांस मिलता है, तो इसलिए जो नाम रखना है आपने वो सोच समझ कर रखना है कि एक बार आपको चांस मिलेगा कि नाम जो है आपका उसको एडिट करने का, यानी कि एक बार तो अभी हो गया मैं क्रिएट चैनल कर देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक बार नेक्स्ट मुझे फिर दोबारा मिलेगा कि मैं अपना चैनल का नाम चेंज कर सकता हूं। ये देखें जी आ गया अभी यूट्यूब पे, ये आ गया मेरा होम आ गया जी, इसका जो मेरा चैनल है ये, इसकी मैं वीडियो आ गई है, इसमें मेरे को वीडियो डली नहीं हुई है, जहरी सी बात है अभी बनाया है। तो ये प्ले लिस्ट आ गई है और ये चैनल्स आ गया है, और ये अबाउट की जो है ना, ये जो सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपने जिस मतलब चैनल बनाना है, जो आपने यहाँ पर अपडेट देनी है, तो ये आपने ना सेटिंग में जाके, तो आपने जो है ना जनरल सेटिंग पर जाके, तो ये जो आपका अबाउट है इसको आपने जो है ना लाजमी टच करना है, इसको आपने लाजमी जो है ना इस पर लिखना है कि मैंने जी इसमें क्या क्या देना है, इसमें मैं किस चीज़ डालूंगा। ये नीचे आ गया जी अबाउट, इसकी जो टर्म पॉलिसी है वो भी ये देख लें यहाँ से, सेंड फीडबैक है, अगर आप कुछ यूट्यूब को बताना चाहते हैं वो भी आ गया, यूट्यूब टर्म पॉलिसी आ गई है, गूगल प्राइवेसी पॉलिसी भी आ गई है, यूट्यूब अकाउंट अगर आपका बन गया अभी तो इसमें आप वीडियो डालते रहें, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और जब उसके बाद 4000 वॉच टाइम हो जाए, तो उसके बाद फिर आप इसकी सेटिंग कर लें, मुश्किल नहीं है, अभी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये अबाउट में अगर आपने कोई चीज़ देनी है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैंने जो है ना इसमें क्या करना है, किस मतलब मैंने चैनल बनाया है, तो इस तरह की अपडेट अपने यहाँ पे आके देनी है। आप अपना का जो है ना आ गया होम आ गया, फॉर एग्जांपल अब इसमें आपने ना अपनी वीडियो अपलोड करनी है, तो वो कैसे, ये क्रिएट वीडियो आ गई है, ये गो लाइव, अच्छा लाइव नहीं आ सकते हम इसलिए कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो, लाइव आ रहा हूँ तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि बच्चा जी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो पंगे ना लो। तो मैं बैक आता हूँ।
तो ओपन वीडियो पे आ जाता हूँ। अच्छा, मेरे डेस्क पे भी कोई ऐसी वीडियो पड़ी नहीं हुई जो मैं इसमें डाल सकूँ। तकरीबन वीडियो 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 कौन सी वीडियो जी? अच्छा, मैं कोई वीडियो इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको छोटी सी छोटी वीडियो डालूँ ताकि इसमें वीडियो डाल सके। अच्छा, ये कोई वीडियो है जी मेरे पास 15 सेकंड की, ये 18 सेकंड की वीडियो है जी, माशाल्लाह खाने का भी की है। तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वीडियो अपलोड करते हुए, वो आपका जो है ना टाइटल होता है, जो आपने अभी ये वीडियो है, पता नहीं अब इस भाई ने क्या इस पर स्पीच की हुई है। तो अच्छा, कोई भी टाइटल है, इस टाइटल अच्छा से अच्छा देंगे। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ये अच्छा से अच्छा होना चाहिए आपका डिस्क्रिप्शन। जो वीडियो में आपने बात की हुई है वो उसमें शॉर्ट मतलब करके आपने इस डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, ज़बरदस्त खूबसूरत की करके। उसके बाद आप जाना है जी, आ जाना है जी, ये प्राइवेसी है जी, प्राइवेट है, पब्लिक है, आपने पब्लिक पर रहने देनी है। उसके बाद आ जाता है जी लोकेशन, अगर आपने अपने एरिया की लोकेशन देनी है तो ठीक है, अगर नहीं देनी है तो कोई इशू नहीं है। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अपलोड करने के टाइम ये आपसे एक चीज़ पूछेगा कि नो इट्स नॉट फॉर मेड काइट्स। अच्छा, ये पूछ रहा है कि येस इट्स मेड फॉर काइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अगर येस इट्स मेड आ काइट किया ना, तो ये सिर्फ बच्चों की तक महदूद रहेगी, मतलब अदरवाइज़ जो अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है गूगल में, तो उसमें जो आपने एज मेंशन की है तो आप की कम मतलब, जैसे आप अभी मैंने एज की है तो मेरी 31 बनती है, तो मैं तो काइट में नहीं आता। तो ये मतलब अंडर ऑफ 15 या अंडर ऑफ 10 ईयर के बच्चों के लिए जो है ना ये लेके आएगा, या अंडर ऑफ 15 के लिए लेके आएगा। तो आपने हमेशा नो इट्स नॉट मेड फॉर काइट, यानी जो 15 साल के ऊपर हैं वो देखें, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ भी अगर दूसरे भी देख लें तो कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ये अपलोड का बटन है यहाँ जी, आपने अपलोड कर देनी है तो अपलोड आ जाएगी। मैंने करनी नहीं है वैसे, इस वजह से कि एक तो वीडियो किसी की है और दूसरा जो है ना है भी इसमें क्या वीडियो में मैंने देखा नहीं है। तो ये थी मेरी अपडेट आज तक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।